गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, मैं हूं अभी उदयपुर में और आज आपको लेकर जा रहा हूं उदयपुर से श्रीनाथ जी टेम्पल नाथद्वारा तक। और उदयपुर से आपको श्रीनाथ जी टेम्पल नाथद्वारा तक कैसे जाना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये देखिए दोस्तों, ये है चेतक सर्कल पूरा, और जिस डायरेक्शन में इसका मुँह है हमको इधर ही जाना है, और यहाँ से आपको बस मिल जाएगी नाथद्वारा के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो ये शाइन बोर्ड जो लगा हुआ है रोड पे, ये लिखा है नाथद्वारा 48 किलोमीटर। तो चेतक सर्कल से नाथद्वारा की डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। सो दोस्तों, चेतक सर्कल से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पे आपको यहाँ पे ये लोकेशन देख रहे हैं हम, इस पॉइंट से आपको नाथद्वारा के लिए बस मिल जाएगी, और प्राइवेट भी बस मिल जाएगी, गवर्नमेंट बस भी मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप पूरी लोकेशन, ठीक है, और यहाँ बस स्टॉप बना हुआ भी है, तो यहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी। दोस्तों ये आ गई है नाथद्वारा के लिए बस, गवर्नमेंट की देख सकते हैं आप, और इस बस से जाना है हमको श्रीनाथ जी टेम्पल, और यहाँ से आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस है और फेयर पड़ रहा है आपको 60 रुपये। और आप सर्कल देख सकते हो, ये लोकेशन है चेतक सर्कल से लगभग 100 मीटर के आगे हम आ चुके हैं। तो बस चलते हैं और जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उदयपुर आना होगा, और उदयपुर से आप उदयपुर बस स्टॉप भी जा सकते हैं, और या अगर आप चेतक सर्कल से आना चाहते हैं तो चेतक सर्कल आना होगा आपको, जो कि रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आपको मैंने लोकेशन बता दिया है। चेतक सर्कल से भी आपको 100 मीटर आगे आना होगा, और गवर्नमेंट बसेस मिल जाएगी, प्राइवेट बसेस मिल जाएगी, और गवर्नमेंट बसेस का फेयर आपको 60 रुपये। और टाइमिंग कितना लगता है ये हम पहुँच के आपको बताने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये नाथद्वारा तक की टिकट है, 60 रुपये फेयर है इसका, और ये भिलवाड़ा डिपो की है, देख सकते हैं आप, ऐसी टिकट मिलती है नाथद्वारा जाने के लिए बस में, गवर्नमेंट बस की टिकट है। अगर आप गवर्नमेंट बस से नाथद्वारा जा रहे हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। देखिए बताता हूँ, ये देखिए, ये जो बस दिख रही है आपको, जो पूरी सीट पर बैठी है, सब लोग अपनी सीट पर बैठे हैं, जैसा ये है कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग खड़े हैं या कुछ ज़्यादा कैपेसिटी, सब अपने अपनी सीट पर बैठे हैं, तो आप किसी आराम से जा सकते हैं नाथद्वारा तक गवर्नमेंट बस में, और इसका 60 रुपये फेयर। तो ये है नाथद्वारा का बस स्टैंड, देख सकते हो आप ऐसा है कुछ, और ये लिखा हुआ भी दीपचंद कालीवाल मॉडल बस स्टैंड नाथद्वारा का। ये देखिए मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, ये लिखा है दीपचंद कालीवाल मॉडल बस स्टैंड नाथद्वारा, ये नाथद्वारा का बस स्टैंड है आपको, और उदयपुर से आपको बस यहाँ पे आके छोड़ देगी। तो लगभग हमको 1 घंटे लगे हैं, 60 मिनट में बस ने हमारी यहाँ पे छोड़ दी है, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, और भिलवाड़ा डिपो की बस है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बस से मैं आया हूँ, और यहाँ से आपको श्रीनाथ जी टेम्पल तक जाने के लिए ऑटो भी मिल जाएगा, ऑटो का फेयर लगभग आपको 50-100 रुपये लग जाएंगे। तो मैं पैदल जाने वाला हूँ, और पैदल कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए।